तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर और पता है आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं 30 डेज का चैलेंज लूँ वेट लॉस करने का, क्योंकि मेरा वेट हो गया है 67। और मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं मतलब डाइटिंग तो मैं करती नहीं हूँ, मेरे बस का भी नहीं है डाइटिंग करना, पर मैं प्लान कर रही हूँ कि 30 डेज का चैलेंज लेती हूँ वेट लॉस करने का। मैंने अभी जिम ज्वाइन करा है, स्विमिंग तो मैं करती ही हूँ, तो जिम ज्वाइन करा है तो देखते हैं क्या करते हैं। पर पता है आज पहला काम क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ दावत पे किसी का ग्रह प्रवेश है वहाँ जा रही हूँ, तो मेरे चैलेंज की शुरुआत हो रही है ऐसे कैसे खाने से ठूसने से, अभी पता नहीं कैसा होता है वहाँ, देखते हैं जाके। तो चलो आपको भी ले चलते हैं मेरी फ्रेंड के ग्रह प्रवेश आगे। तो ये है आज जो घर में आई हूँ ग्रह प्रवेश में, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही अच्छा इंटीरियर करा है इन्होंने। ये है किचन इनकी, बड़ा मस्त लग रहा है बताओ ना क्या बढ़िया है, सब बढ़िया। आपको गुस्सा हो रहा है कि अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि आपको का डेजर्ट हो गया है। और आयुषी का भी चल रहा है स्वीट। तो ये है जिनके हम आए थे, हेलो बोलो मेरे व्यूअर्स को, इन्हीं के घर आए थे हम, बहुत सुंदर घर है। अभी तो तुम खा रही थी है थर्मस दिल्ली आयुषी लाए थे तो सबने खा लिया है, अब लास्ट बताओ इनकी नई एक्सयूवी पे निशान मार दिया भाई, जिसे हम क्रिसमस में ढूंढेंगे। हाय राम, IXA, ये सोसाइटी के बच्चों के काम है, क्या करा जाए यार, ऐसे खुलने में भी तो खड़ी होती है, हमारे गार्ड्स को देना चाहिए ध्यान। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और ताला सारा ना पूरी आलू और सब्जी खा के, माय गॉड, बाहर का चाहे कुछ भी खा लो आप हल्का सा, इतना मतलब आलस आने लग जाता है। और अभी 4:15 हो रहे हैं और मेरा जिम पता है कितने बजे, मैं 5 बजे जाऊँगी, अब पता नहीं मैं जा भी पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, पर मैं स्विमिंग जरूर जाऊँगी क्योंकि उसके लिए मुझे 6:30 बजे जाना होता है। तो अभी पता नहीं मैं जिम जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ओ गॉड मेरा चैलेंज ऐसे जा रहा है, आज का पहला चैलेंज, मैंने पहला दिन चूज करा था कि 30 दिन का मैं चैलेंज लूंगी, कि मेरे को मेरा 67 kg हो रखा है तो मुझे एटलीस्ट 5-6 kg कम करना है, तो मतलब 62 के अराउंड हो जाए या 61 हो जाए, तो मेरा यही प्लान था। तो आज से मैं सोच रही थी कि आज से मैं करूँगी, पता नहीं अब कैसे होगा यार, मुझे हिम्मत दो कि मैं जाऊँ आज जिम मुझे लग नहीं रहा मैं जिम जाऊँगी यार, पर देखती हूँ अभी थोड़ा आराम करती हूँ मैं फिर, क्योंकि 4:15 हो रहे हैं अभी मेरे पास है मतलब आधा घंटा 1 घंटा के अराउंड मतलब है, तो 1 घंटा मैं आराम करती हूँ, अगर टाइम लगा तो मैं जिम जरूर जाऊँगी। और प्लीज़ बने रहिएगा मेरे 30 दिन का चैलेंज देखने के लिए, मैं कितना आपको इंस्पायर करती हूँ और नहीं करती हूँ, तो इसके लिए आप बने रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत आलस आ रहा था, एक तो पेट इतना भर गया था ना, तो मैंने कहा जिम जाके मैं कुछ कर नहीं पाई, बेकार मेरा पेट दर्द हो कुछ हो, तो इसलिए मैं गई नहीं। पर मैं स्विमिंग स्किप नहीं करती हूँ तो मैं आ गई हूँ यहाँ, 7:45 बज गए हैं और 7:45 बजे मैं पहुँच गई हूँ अपने स्विमिंग पूल के बाहर। तो आज अप्पू नहीं आया क्योंकि अप्पू एक्चुअली वो करता है बॉक्सिंग शुरू करी है उसने, तो ऑल्टरनेट डेज वो जाता है, तो एक दिन मैं खुद से आती हूँ एक दिन उसके साथ आती हूँ, तो ऐसा सीन है। और स्विमिंग के अंदर मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर हाँ मैं 1 घंटा करूँगी और ऑलमोस्ट मैं 650 meters मतलब कर लेती हूँ, मतलब कभी 700 भी हो जाते हैं, ऐसा सीन है। तो चलो मैं वहाँ का वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी पर मैं जाती हूँ अब स्विमिंग करने। हमारे बाहर स्विमिंग पूल के वो परेड ग्राउंड है और इधर है स्विमिंग पूल। When a day's gone, we've only begun, that's the best part, when we get it on, I'm addicted, no denying it, cause you don't cross my mind, you're living it, I wanna taste you, and feel you shake, raising an earthquake, can't push the brakes when a rush hits, we're going in, we're going in, you keep me biting my... तो
दोस्तों मैं स्विमिंग करके आ गई हूँ और देखो अब अंधेरा हो गया है यहाँ पे, मुझे 8:15 बज गए और इतना ही टाइम लग जाता है यहाँ पे। मैं 6:15 के करीब घर से निकलती हूँ और 8:15 मुझे यहीं बच जाते हैं क्योंकि मैं अकेले आती हूँ थोड़ा ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए, तो इसलिए वरना आपो के साथ आती हूँ तो 2 घंटे पूरे लगते हैं। हम घर से 6:30 बजे निकलते हैं और घर 8:30 बजे पहुँच जाते हैं, तो मतलब ऐसा सीन रहता है। तो 1 घंटे में बस मैं मेरे ख्याल से आज 700 मीटर करा होगा मैंने, और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। अगर आपको मेरी स्विमिंग भी देखनी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा रहा है मुझे, तो बताइएगा कमेंट करके। बाकी अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, ड्राइव करते हुए तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो देखो अभी कैसा हो रहा है, अंधेरा हो गया है पूरा का पूरा। तो दोस्तों देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेला लगा हुआ है, मेला चले क्या दिखाऊं आपको क्या हो रहा है वहाँ, क्या मस्त लग रहा है। मुझे लग रहा है आगे वाले टायर में पंचर हो गया है तो अब मुझे चेक करवाना पड़ेगा क्योंकि हवा बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है। तो चलो फिर चलते हैं, फटाफट चेक कराती हूँ मैं और वो मेले में भी देखती हूँ अगर जा पाई तो। अप्पू तो बॉक्सिंग में होगा तो मैंने सोचा चलो इस मेले को देख लें क्या हो रहा है यार, अपू डांटेगा मुझे। रखवाए गए हैं कृपया उसका प्रयोग करें। यानी सरकार की और भागीरथ महाराज की। काफी साफ सुथरा है, स्टॉल भी भारी पड़े हैं यार, मैं भी ले सकती थी यहाँ पे तो स्टॉल। वाह मजा आ रहा है वैसे, समिति के द्वारा काफी क्लीन है, सफाई करी हुई है बिल्कुल। उधर देखते हैं गंदगी है या नहीं है। वाह जी वाह, मजे है भाई बच्चों के, वो देखो। ओ भाई साहब, मेरे को तो ड्रैगन वाला अच्छा लगता है, अकेले नहीं करूँगी यार, अप्पू डांटेगा कुछ हो गया तो। कम भीड़ है और स्टॉल भी कम लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ मेले में गई थी और बहुत ज़्यादा स्टॉल खाली है तो मेरा दिमाग चला कि यार मैं भी तो अपना स्टॉल लगा सकती थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑफिस ढूंढा सबसे पहले कि कहाँ पे इनका ऑफिस, वहाँ जाके पूछा कि क्या सीन है। तो मैं आपको बताती हूँ बाकी गाड़ी में बैठ के। अब यार मेरी गाड़ी फंस तो नहीं गई होगी, क्या कहते हो, निकाल लूँगी मैं, है वो इतनी एक्सपर्ट। इतना गैप है यहाँ और यहाँ कितना है, थोड़ा निकल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे मैं गई, क्या बोलते हैं जो ऑफिस था यहाँ पे भागीरथ मेले वाले का, तो उस ऑफिस में जाके मैंने पूछा कि, मैंने तो पूछा स्टॉल कितना है, तो बहुत अच्छे से अटेंड किया उन्होंने और अच्छे से बिठा के। एक मिनट, मोदी जी आ गए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया मुझे कि मतलब जो डबल साइड ओपन है वो 18,000 रुपये और ये 27 मई तक लगेगा ये वाला मेला, तो उसका इतना है और सिक्योरिटी पूरी है यहाँ पे, मतलब रुकना भी नहीं पड़ेगा और सामान भी बार बार रोज लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो पर मैंने कहा कि मेरे पास इतने का तो सामान ही होगा, मैंने कहा मेरे पास ये मतलब एक्चुअली इतने का ही सामान होगा तो मेरे लिए अभी सही नहीं है, वरना मैं सोच रही थी कि मैं अपना सेरामिक का यहाँ पे लगा सकती हूँ, पर सामान ही मेरा इतना है जितने का ये बता रहे हैं रेट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 17,000 12,000 से स्टार्ट है और अगर आप एक साथ पेमेंट कर देते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो और ये हो रहा है BHL के सेक्टर 4 पे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नीट एंड क्लीन है, जैसे देहरादून के मतलब मेला लगता है ना देहरादून में बिल्कुल क्लीन वाला, उस टाइप का मेला है ये, फर्स्ट टाइम लगा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आगे कभी कर सकती हूँ उस टाइप का, पर अभी तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 12,000 या 17,000 लगाऊं। अगर आप लोगों को करना है तो आप फटाफट से कर दीजिए क्योंकि ये 27 तारीख तक चलेगा और आज डेट है हमारी, आज 10 मई है तो आप पे 17 दिन है, तो 17 दिन में आपकी कमाई हो ही जाएगी अगर आपको करना है तो। तो बाकी मैं बता देती हूँ, सेक्टर 4 में है ये मेला लगा हुआ, भागीरथी मेला है 2024, तो आप लोग भी देख सकते हो जो भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों 9:15 बज गए और मैं इस टाइम घर आई हूँ घूम फिर के और अप्पू अभी भी घर पे नहीं,
जी हाँ, अभी भी अप्पू घर पे नहीं है, उसकी बॉक्सिंग अभी भी चल रही है। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी चैलेंज मैं पक्का करूँगी, आप प्लीज़ बने रहिएगा। और मेरा वेट मैं आपको कल दिखाऊँगी भी, 67 के अराउंड है मेरा वेट, तो देखते हैं कितना 30 डेज में मैं कितना लूज़ कर पाती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।